तो वीवीए प्रोग्रामिंग में हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हम बात करेंगे एक अटेंडेंस फॉर्मेट बनाने की, तो mk_att के नाम से हमने बनाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ A3 पे लिखना है मंथ। से पहले मैं चाहता हूँ कि जब कोई मंथ मुझे जब रन करो तो मुझसे मंथ पूछे और उसी मंथ का अटेंडेंस बना दे। तो यहाँ पे एम नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लगाया कि इनपुट बॉक्स, और हमने यहाँ पे बोला कि एंटर मंथ। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे एक डे बनाना है ना, मंथ आया सिर्फ, तो डे बनाना है। तो हमने यहाँ पे डी इक्वल इसमें, हाँ डी टी इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया डे, इसके साथ स्लैश टू, अभी इसमें ईयर भी देना है ना हमें, तो ईयर में हमने यहाँ पे कर दिया ईयर और यहाँ पे कर दिया डे। करेंट सिस्टम डेट का ईयर लेगा और करके डी टी एक बना देगा, पर डी नहीं, यहाँ पे एम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एम। उसके बाद इस महीने में कितने नंबर ऑफ डेज है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे डी इक्वल टू डे, और डे के अंदर मैंने लगाया अप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ई ओ मंथ, और इसके अंदर में मैंने डी टी डाला यहाँ पे कॉमा जीरो, ये आपका डेज निकाल के दे देगा। तो दो यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई। अब आते हैं, हम डालते ए थ्री पे मंथ और बी थ्री पे जो एम हमने मंथ कैलकुलेट कंबाइन किया वो डालेंगे। यहां लिखेंगे रेंज ए थ्री डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने डाला मंथ, और फिर इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। अब A3 के जगह पे हो जाएगा B3 और मंथ के जगह पे हो जाएगा हमारा D3। अब एक बार रन करके देखिए, रन करेंगे तो मंथ पूछ रहा है, मंथ में मैंने डाल दिया मान लीजिए नवंबर, NOV डाल के ओके किया, तो आप देखिए मंथ नवंबर आ गया। तो बार बार मुझे इसको बार बार रन करना है, तो बार बार डेट पूछेगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसको डेट करके यहाँ पे एम इक्वल टू हम NOV कर देते हैं नवंबर, सिंपल सा। अब मुझे यहां A6 के अंदर डालना है एम्प्लॉय कोड, तो रेंज A6 डॉट वैल्यू इक्वल टू EMP एम्प्लॉय कोड। फिर B6 पे डालना है नेम, और फिर C6 पे डालना है डिपार्टमेंट। और उसके बाद हमें D6 जो है हमारा, D6 में डालना है डेट, जो कि M के ऊपर, क्योंकि यहां देख पा रहे हैं डेट आ रहा है, तो M के ऊपर है जो DT पे है हमारा DT। लेकिन DT इनवर्टर कॉमा डाल गया, बिगावर इनवर्टर कॉमा डालना है इसमें, और फिर यहाँ पे लिखेंगे रेंज D6 डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू DD/MMM/YY। अब इसको एक बार रन कीजिए, तो यहाँ देखिए 1 नवंबर का डेट टल गया। अब मुझे यहाँ पे इसमें +1 करना, यहां लिखेंगे रेंज E6 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज नहीं, यहां पे इन्वर्टर कॉमा में इक्वल D6+1। अब मुझे इसको लेके पूरा 31 दिन पे जाना है, तो हमने करेंगे रेंज स्टार्टिंग पोजीशन तो होगा हमारा E6 पे फॉर्मूला है ना E6, और एंडिंग पोजीशन होगा रेंज
T6 डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे जीरो रो होगा और कॉलन होगा जो हमने ऊपर डी कैलकुलेट किया कितने नंबर ऑफ दिन है उसमें से माइनस दो, क्योंकि दो दिन तो हमने ऑलरेडी डाल दिए ना इसलिए, और करेंगे फिल लेफ्ट राइट होगा सॉरी राइट फिल राइट। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए तो अब देखेंगे कि ये आपका जो है इस महीने के लास्ट लास्ट तक ही जाएगा जो कि है 30 नवंबर, इसे आगे नहीं बढ़ेगा। तो 30 नवंबर कैसे जा रहा है, क्योंकि कितने दिन हैं ये कैलकुलेट होके डी पे आ रहा है, और हम बोल रहे हैं कि ऑफसेट में भाई तुम कितना सेम रो और कितना चलो, तो जो डी है मतलब कि 30 माइनस दो 28 चले, क्योंकि दो ऑलरेडी तो हमने डेट डाल दिए, 28 दो 30 हो जाएंगे। अब मुझे E6 के ऊपर डेट डालना है, टेक्स्ट डालना है, तो यहां पे मैंने लिखा रेंज D5 है D5 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब इसमें हमें डालना इक्वल टेक्स्ट, हम टेक्स्ट का फॉर्मूले डायरेक्ट डालना है, हालांकि इसको मैं फॉर्मेट से भी कर सकते थे लेकिन हम टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट हमने डाला D6 कॉमा डबल इन्वर्टर कॉमा में D और फिर डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज कीजिए, इन्वर्टर को क्लोज कीजिए, तो ये क्या कर देगा, ये आपको यहां पे ट्यूजडे डाल दिया। अब सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे यहां पे, ये जो हमने ये डाला है ना सेम, बट इसमें फर्क ये होगा कि E6 के जगह पे D5 होगा और यहां भी D5 होगा, और ये जो -2 है -2 के जगह पे -1 होगा, और फिर ये फिल लाइट कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ तक डेट आ गया। अब मुझे A5 से लेके यहाँ 16 तक सेलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए भी यही सेम हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे D5 की जगह A5 हो जाएगा, यहाँ भी आपका यही D5 रखिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो दे रहा है वो सिंपल रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बॉर्डर्स लाइन स्टाइल इक्वल टू 1 कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अच्छा यहाँ कॉलम नंबर डालना पड़ेगा, कॉलम नंबर हमने डाल दिया 11। अब देखिए 16 तक आ गया। अब पूरे को डबल क्लिक करके मुझे पूरे को डबल क्लिक करके ऑटो फिट करना है, तो इसको कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं, और यहाँ ये जो हमने बॉर्डर्स दिए हैं सेम चीज रहेगा, बॉर्डर्स को हटाते हैं, इसमें देते हैं हमें यहाँ पे एंटायर कॉलन डॉट ऑटो फिट, तो जितना ऑटो फिट हो जाएगा मतलब कि जो नहीं दिख रहे हैं डेट वो दिख जाएंगे, कॉलम जितना चाहिए उतना आ जाएगा आपका सिंपल। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को कलर करना है, क्या करना है कलर करना है, तो ये जो ऊपर का कोड हमने लिया था ये सेम आएगा, बस इसके अंदर हम जो है यहाँ पे एक रो कर दे रो नंबर 1 कर देंगे, और लाइन यहाँ पे बॉर्डर के जगह पे हटाते हैं और इसके करते हैं हम इंटीरियर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर के लिए इंटीरियर इस्तेमाल होता है, इंटीरियर डॉट कलर, अब इस पर कुछ भी डालिए, मैं डाल देता हूँ बीवी ग्रीन, तो एक ग्रीन कलर हो जाएगा। अब ग्रीन कलर हुआ तो मैं चाहता हूँ ये तीनों क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, तो तीनों को मर्ज करने के लिए यहाँ लिखेंगे कि रेंज A5 से B6, और मर्ज का कोड हमेशा लास्ट में दीजिएगा तो ही बेटर होगा, डॉट मर्ज B6 नहीं मान, A5 से A6 से होगा ना, अलग अलग करना है ना हमें,
और इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ तीन बार मैंने पेस्ट कर दिया और एक जगह पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूं तो देखेंगे मर्ज हो गया। अब किसी भी सीट में मुझे सेम चाहिए, बस यहाँ रन करना है, कुछ ही सेकंड्स में आपका फॉर्मेट बन गया। समझ में आया सबको? इस कोड में बताइए कुछ डाउट है, कुछ किसी तरह का दिक्कत? सर ये एक्टिव शीट पे ही लेगा ना, मतलब अभी हमने कोई शीट नंबर नहीं ये किया तो जो भी ओपन रहेगा उसके पे। जी हाँ, वो आप पर्टिकुलर सीट पे करना चाहते हैं तो सीट ऐड कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी रन करूँ एक सीट ऐड करे, मुझसे नाम पूछे और फिर उस सीट का नाम डाले, ठीक है ना। तो यहाँ हमने यहाँ पे हमने कर दिया शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू एम, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैसेज बॉक्स पे दिला दीजिए एम एस जी बॉक्स, यहाँ पे फॉर्मेट क्रिएटेड या जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया, रन करने से पूछे मुझसे पूछा नाम, तो मैंने नाम दे दिया भाई जून का, और जैसे ही ओके किया तो ओके करते ही फॉर्म क्रिएटेड और जून का रिपोर्ट बन गई, जून के डेट आ गए और टोटल 30 जून तक ही बने। मान लिया मुझे जुलाई का चाहिए, तो मैं रन किया यहाँ पे जी जुलाई डाला, देन ओके, और आप देखेंगे कि फॉर्म क्रिएटेड जुलाई की नई सीट बन गई और यहाँ 31 जुलाई तक आप देखोगे कि आपका पूरा रिपोर्ट बना हुआ, न कम न ज्यादा, ठीक है। ओके सर। अब आप लोग इस कोड को कीजिए एनालाइज, पहले सेम टू सेम बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसमें कुछ चेंजिंग करना है। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय का ये तीन कॉलम जो है ना ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ उस सीट से उठा के यहाँ पेस्ट कर दे और जितना उसके अंदर डेटा है ना उसी हिसाब से नीचे तक का फॉर्मेट तैयार करें, पहली चीज। दूसरी, जितने भी डेट्स हैं, डेट्स के अंदर जितने भी कोड्स हैं, उस कोड के जितने डेट्स है और डेट्स में जितने भी है उसमें कलर, जितने भी मैंने एरिया है, मतलब कि आपका जो अटेंडेंस एरिया है जहाँ पर अटेंडेंस क्रिएट करेंगे, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे मुझे लीव के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है कि सैटरडे संडे हो तो कलर हो जाए, लीव अगर हो तो कलर हो जाए, अब्सेंट हो तो कलर हो जाए, इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लगानी है, ठीक है सर। तो इसको कीजिए मॉडिफाई, और ये चीज़ आपको बनानी थी बट मैंने बनाया, आगे से ध्यान रखिएगा कि आप इसको बनाएं तो सही रहेगा, ठीक है। क्लियर सर?